स्वयं के बारे में, दूसरों के बारे में। वरदान, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव, क्या वरदान मिला? मास्टर ज्ञान सूर्य भव, जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। सुना? परिवार में बोलना नहीं पड़ेगा। जब हम ऐसी श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे, अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारे पन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगी। न्यारा और प्यारा, किसी का प्यारा बनने की कोशिश कभी नहीं करनी है। स्थूल कोशिशों के द्वारा कभी किसी के प्यारे नहीं बने जा सकते। न्यारा बन जाओ, बाबा के प्यारे बनो, स्वतः ही सबके प्यारे बनेंगे। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। आज के दिन का अभ्यास है, फील करो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बाबा की छत्र छाया में। स्लोगन, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी। स्वमान की सीट पर स्थित रहो, सहन शक्ति भी आ जाएगी, समाने की शक्ति भी आ जाएगी, सारी शक्तियां। सीट पर सेट रहो, सीट पर बैठने वाली आत्मा कभी अपसेट नहीं होती है। सेट माना सेट, नई नई सीट पर बिठाओ, ज्ञान के श्रेष्ठ संकल्पों की सीट पर बैठ जाओ, कभी वरदानों की सीट पर बैठ जाओ, कभी स्वमान की सीट पर बैठ जाओ, बस स्वतः शक्तियां ऑर्डर मानेंगे। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मास्टर मुक्तिदाता बन पुरानी देह और दुनिया के बंधनों से संस्कार स्वभाव से मुक्त बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करें। सुना आज के बोलने का मुख्य अभ्यास, आज सारे दिन भर में स्वयं को मास्टर ज्ञान सूर्य की सीट पर सेट कर दे। आज बाबा ने दो होमवर्क दिए। पहला, स्वयं को सदा ही श्रेष्ठ स्वमान के साथ साथ श्रेष्ठ स्थिति में देखे, मैं नैनों का नूर,
भगवान का दिल तख्त नशीन आत्मा, आधार मुहूर्त पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। सारे दिन भर में स्वयं को ऐसे स्वमानों से सजाते जाए, कोई भी बात या परिस्थिति आए, खुद को ऊंची स्थिति में देखे, कमजोर नहीं सोचे। इसे स्थिति एक रस अचल अडोल रहेगी। दूसरा होमवर्क, आसपास वाली सभी आत्माओं को और विशेष जो मेरे नजदीक है, हिसाब किताब वाली आत्माएं हैं, लौकिक चाहे अलौकिक में, आज से उनकी विशेषताओं का लिस्ट निकाल कर उनके गुण और विशेषताओं को सदा के लिए नेचुरल रूप में देखते रहे। जब भी उसके बारे में सोचे तो उनके गुणों के बारे में सोचे तो दुआएं मिलेगी, सदा आत्मा संतुष्ट रहेगी। ये सच्ची पवित्रता है जहां बिल्कुल व्यर्थ नहीं। ऐसी आत्मा सदा बाप के संग संग रहती है। ऐसी आत्मा को बाबा की शक्तियां निरंतर मिलती रहती है। योग सहज होगा, उमंग उत्साह सदा बना रहेगा। आज का होमवर्क सारा दिन करते रहेंगे, यही सबसे बड़ी तपस्या है, यही होली मनाना है। ठीक है, आज की मुरली को बार बार सभी रिवाइज करेंगे और उसको अनुभव में ले आएंगे। दादी जी की आज की विशेषता है, हर संकल्प श्वास और समय को सफल करने और कराने वाली दादी जी। दादी जी को समय का बहुत कदर रहता था। वे सदा कहती थी, संगम की एक एक घड़ी अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। दादी ने खुद भी अपना एक एक सांस, संकल्प, समय सब सफल किया और दूसरों का भी सफल करवाया। कुछ भी निष्फल न जाए, सांसों सांस स्मृति में रहने से वो मजबूत बन गए। सदा मनमना भव का मंत्र अंदर चलता रहा। नंबर वन में आना हो तो अभी यह समय है, हर एक आ सकता है, यह करके दिखाया दादी जी ने। तो आज से हम सब दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, वैसे भी आज से राखी रक्षाबंधन शुरू होता है, तो हम सभी अपने से प्रतिज्ञा करेंगे कि अब संगम के इस छोटे से बचे हुए समय में अपनी स्थिति को ऐसी श्रेष्ठ बना करके ही रहेंगे। Oh, shit.